हमारे भाई एक शहीद हुए हैं हुए कोई जी बिल्कुल बिल्कुल एक हुए हैं लेकिन वो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने माल लिया है हमने भाई 77 बकरे हैं 77 बकरे भाई लेकर आए भाई। सबको पता है कि कराची के जो हालात हैं भाई बंदा अपने घर के बाहर लुट गया था तो ये तो फिर भी नॉर्दर्न बाईपास मंडी कराची 2023 जो है इतनी दूर हो गई है क्योंकि सब तो हमारे दिल भी यही करता था भाई शराब कोट जी अपने लिए पूछ रहा हूँ ये वाला कुर्बानी तो हम भी करते हैं ना भाई। हाँ बिल्कुल भाई कुर्बानी हर बंदा करता है। के ऊपर है ये मंडी साल फ्लॉप होगी या चलेगी या फ्लॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऐसे की मंडी में खुश आमदी दोस्तों। आज जैसे आपसे कल सवाल किया था सिक्योरिटी के ऊपर बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो आज की वीडियो भाई सिक्योरिटी के ऊपर है ये मंडी साल फ्लॉप होगी या चलेगी या फ्लॉप। आप लोगों ने तो भाई फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया तो उस हवाले से भी बात करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से पूरा रास्ता भाई आज बनाता हुआ है मीमार मोड़ से भाई पूरा का पूरा 7.5 मिनट की वीडियो उसको पूरा तो नहीं उसको शॉर्ट करके इंशाल्लाह इसके साइड में चलती रहेगी तो सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला आज। और बाकी भाई बकरा मंडी अलहमदिल्ला था भाई लग चुकी है भाई बकरा मंडी में मौजूद हूँ। इस ब्लॉग को नाम दिया बलूचिस्तान ब्लॉग भाई बिल्कुल एंड में मंडी के आगे लग रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप भाई अल्लाह का शुक्रिया आप सुनो ठीक हैं आप भाई। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने माल लिया है हमने भाई 77 बकरे हैं 77 बकरे भाई लेकर आए भाई नौशेरों फिरोज से लेकर आए। पैसे बताओगे अभी पैसे भाई मुख्तलिफ होते हैं कुछ नहीं अभी मैं तुमसे पूछूंगा तो बताओगे हाँ बताओ और मुनासिब करोगे तो आवाम आएगी क्योंकि दूर है मंडी याद रखना बस सही है। तो इंशाल्लाह ये भाई से भी रेट वगैरह लेंगे जिनको बकरों के रेट देखने हैं वो थोड़ा सा स्किप कर लें वीडियो को लेकिन पहले बात होगी सिक्योरिटी की भाई। अच्छा दोस्तों तो भाई बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की कि मंडी सिक्योर है सेफ है आया जा सकता है या नहीं और स्नैचिंग जो हुई है शामिर भाई के वो उसके क्या हकीकत है क्या वॉइस नोट की हकीकत है सब इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में बताएंगे। तो भाई सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भाई मैंने कभी भी अपनी वीडियोस में ये नहीं कहा कि आप रातों को मंडी आओ आप सुबह अर्ली मॉर्निंग मंडी आओ। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप मंडी आओ भैया मैंने तो ये बात किसी को भी नहीं बोली। मैं तो बोलता हूँ आप मेरी वीडियोज़ देखो भाई मैं आप अगर यहाँ आ जाओगे तो फिर मेरी वीडियो कौन देखेगा सही है पहली चीज़ से ये क्लियर कर देते हैं। और दूसरी चीज़ भाई मंडी आओ बिल्कुल आओ मंडी आने के कुछ वक्त हैं आप शाम के वक्त आएँ आप जो है मगरिब के वक्त आएँ आप दोपहर के वक्त आएँ सुबह 6 बजे 7 बजे आने की क्या ज़रूरत है मंडी में मुझे ये बताएं। आना बिल्कुल आना इंशाल्लाह ताला नॉर्दर्न से आएँ नॉर्दर्न जो है बिल्कुल इस वक्त सिक्योर है भाई। और जहाँ तक मीमार मोड़ की बात है मीमार मोड़ जो है भाई उसमें अभी तक इतनी सिक्योरिटी नहीं है वहीं पर सुनने में भी आया कि भाई आपका अपना कुछ हुई है स्नैचिंग लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब तक जो है भाई ना मैंने विटनेस किया। मैं पिछले 2 साल से इन रास्तों से आ रहा हूँ पिछले 2 साल से मैंने ना आज तक कोई अपने साथ वाकया विटनेस किया ना आंखों से अपनी किसी के साथ होते हुए देखा कि भाई सामने देखते रख देख गया हो ना तो ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा ना मेरे जान पहचान के किसी के साथ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है भाई ये और हो भी ना कभी ना भाई। लेकिन बात ये है अपनी हिफाजत अपने आप होती है आप लोग मंडी आएँ तो सही वक्तों पर आएँ और नॉर्दर्न बाईपास से आएँ भले रात को 2 बजे आना नॉर्दर्न बाईपास पर इस वक्त 4 से 5 मोबाइल खड़ी हुई हैं सिक्योरिटी इंतजामिया ने नॉर्दर्न पर भरपूर दे दी है लेकिन बात वही है कि नॉर्दर्न पर आप जो है वो बाइक ले करके नहीं आ सकते समझ रहे बात क्योंकि इतना ट्रैफिक है सिक्योरिटी तो दे दी है लेकिन नॉर्दर्न से अगर आप बाइक लेके आओगे ना तो माल तो बच जाएगा लेकिन जान चली जाएगी अल्लाह अकबर जिस तरह से ट्रॉलर आ रहे होते तो बाइक वाले क्या करें शामिल भाई बाइक वाले आएँ तरीके के टाइम पर शाम के वक्त दोपहर के वक्त बाइक वालों के लिए रात का वक्त अभी नहीं है ये बात को समझ लें। मैं भी अभी जब भी रात के वक्त आता हूँ तो गाड़ी पर ही आता हूँ और दोपहर के वक्त अभी भी बाइक पर आ जाता हूँ कुछ भी आ जाता हूँ तो भाई ये हवाला है सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी और मंडी जाता के बाद लोग बोल रहे हैं भाई फ्लॉप हो गई देखो फ्लॉप अभी से डिक्लेयर नहीं कर सकते आप सही है उसकी वजह यह है कि अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं मंडी में हाँ और जिस तरह से भरपूर माल आया है ना उस हिसाब से फ्लॉप होती हुई लग नहीं रही। अब मलीर की जहाँ तक बात है देखिए मलीर में अगर आपके पास 3 लाख से नीचे का बढ़ता है ना मलीर चले जाओ 3 लाख से ऊपर गए ना तो आप यहाँ विजिट ज़रूर करोगे भाई क्योंकि यहाँ पे जो है भाई गायें बछड़े आपको 3 लाख से ऊपर भरपूर इधर अब कलेक्शन बहुत है ना यार हर तरह से पूरे पाकिस्तान की जगहें से आ रहे तो आपने इधर विजिट तो लाजमी करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है सेल नहीं हो रहे बिल्कुल सेल नहीं हो रहे जानवर इतने वो बात आपकी बिल्कुल सही है अब तक 10 दिन में मेरे ख्याल में 10-11 माल सेल हुआ होगा ये कुछ भी नहीं है इतना जबकि ये मंडी इस वक्त भी इतनी है कि आपका अपना मरीज की 3 हो जाए तो भाई बात सिर्फ इतनी सी है सिक्योरिटी का भी आपको बता दिया इंशाल्लाह भाई से ज़रा रेट लेंगे और फिर आपसे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए आ जाए ज़रा रेट वगैरह अब हमें बताएं भाई बकरा मंडी की कवरेज आज कर लेते हैं वही वीडियो में मैंने कहा और बाकी अब ना आपका सिक्योरिटी और यार तुम बेहाल तुमने बकरों को रखा हुआ कोई टेंट वगैरह ही लगा लो यार टेंट वगैरह भाई मिल जाए ना हम लगा देंगे अभी बहुत देखो ना उनकी क्या बकरे तो फौरन बीमार होता है तुम्हें भी पता है ये बात तो क्या मांग रहे हो जैसे ये खड़ा हुआ है छोटा भी अलग ये भाई जो 30-25-50 कोई छोटा होता नहीं इसके इसके क्या मांग रहे हैं छोटे से के इसके हाँ भाई 35 मांग रहे हैं इसके 35 तो बहुत ज्यादा है हाँ 35,000 में कौन लेगा मुझे ये तो बता दो इतना दूर आकर शहर की मंडी में ना ले ले महंगाई कितनी है बहुत इसको उठाना ये वाले को हाँ
उठाओ ज़रा, कोई बकरा मंडी भी आज मैंने कहा कवर हो जाए भाई तो अच्छी बात है भाई। इसके क्या रेट है? इसके भाई 45 45,000 रुपये इसका। नहीं नहीं यार, महंगाई कितनी बढ़ गई महंगाई। देखो बात सुनो बात सुनो बात सुनो, तुम भी बताइए बकरा कितने का बिकता है? इतने मोल ना करो, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, इधर से आएगी अब, इस साल इधर से आएगी इंशाल्लाह ताला, इधर से आएगी। तुम सही रेट बोलेगा, जिसको बकरा चाहिए आके फ़ौरन लेके जाएगा, इसके मुनासिब करो कुछ, वरना शहर में बहुत बैठा हुआ है जी भाई, समझ रहे हो? तो इसके क्या मुनासिब होंगे? इसके इतने ही होंगे, इतने ही होंगे हाँ, क्योंकि महंगाई बहुत है, हर चीज़ की महंगाई भाई। अगर ये बड़ा बकरा है थोड़ा मुनासिब ही लग रहा है, ये भी उठाओ, इसको उठाओ ज़रा, हाँ इसको उठाओ। तो ये बकरे बेहाल हैं यार, अल्लाह अकबर भाई, कल से उतरा हुआ ये माल, और इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी कि हम इंसान नहीं खड़े हो सकते, और ये छोटी सी जान होती है यार बकरों की, वैसी फ़ौरन बीमार होने वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मांग रहे हैं भाई इसके? ये भाई गुलाबी एक नंबर है, वो छोड़े एक नंबर तो नहीं है, छोटे छोटे कान है, आगे बोलो। आगे ये 2,40,000 का है, 2,40,000 का बकरा दिखा रहा हूँ मैं आपको इस वक्त। अल्लाह अकबर भाई, सही है भाई सही है, ये रेट हैं भाई, यही रेट चल रहे हैं भाई लोगों के तो। और इसके क्या मांग रहे हैं इस टापरे के भाई? टापरे के हाँ, इसके भाई 65 मांग रहे हैं। 65 जी, टापरा एक नंबर टापरा है, जान में अभी उतरा है, धूप गर्मी। अरे भाई क्या हो गया तुम यार, तुम इतना रेट बोल रहे हो तो कैसे कैसे आएगी आवाम यार? अच्छा मुझे भी एक बकरा चाहिए ना यार, तो इसके बता कुछ मुनासिब करते हैं फिर, मैं उठाता हूँ ये, अपने लिए पूछ रहा हूँ ये वाला जी, अपने लिए पूछ रहा हूँ ये वाला, कुर्बानी तो हम भी करते हैं ना भाई। हाँ बिल्कुल भाई, कुर्बानी हर बंदा करता है, क्यों नहीं? इसके बताओ, ये दांतों में देखो ना, बकरा अच्छा है, जान में बकरे माशाल्लाह भाई। आप आखिरी बोलो ना, छोड़ो उसको, देने वाले बताओ, मुझे अपने लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए। हाँ अपने लिए चाहिए। ये भाई 80 का होगा आपके लिए। अबे भाई मुझे लगा तू बोलेगा 35 का होगा आपके लिए, नहीं हंस क्यों रहा है भाई? अच्छा ये काला वाला बकरा कितने का? ये मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी भाई, जब रवाना हो रहा था ना तो उसने वीडियो भेजी थी भाई, कितना लग गया इसका? इसका हाँ 31 लगे, और इस 31 लग गया इसका हाँ। भाई इधर नहीं, उधर गांव में लगे, इधर नहीं लगे, इधर नहीं लगा। अच्छा और इसके क्या मांग रहे हो लाल बकरे का? ये बिरोन वाला हाँ, इसके सही मांग रहे हैं 31। तुमने वो बातें कर रहे हो ना यार, फ़ायदा थोड़ी है तुमसे भी बात करने का। खैर अल्लाह तो आसानी करे भाई आपके मामलात में। ये छोटी सी बकरा मंडी की अपडेट थी भाई, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो सरोज भाई मैंने तो आवाम को सिक्योरिटी के हवाले से बता दिया, मैंने कहा आप भी आए हो तो आप भी ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं सिक्योरिटी के हवाले से। यार सिक्योरिटी का यही सीन है कि बहुत ज़्यादा जो है ना हाइप क्रिएट की जा रही है, नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट की जा रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है भाई, वो तो सबको पता है कि कराची के जो हालात हैं भाई, बंदा अपने घर के बाहर लुट गया था तो ये तो फिर भी नॉर्दर्न बाईपास मंडी कराची 2023 जो है इतनी दूर हो गई है, क्योंकि सब तो हमारे दिल भी यही करता था भाई सराबकोट पे लगे, जो साफ बात है, सही बात है, सराबकोट से हमें मोहब्बत थी, हम बचपन से सराबकोट जाते थे, तो यही सीन है कि बिल्कुल चोरियां हो रही होंगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जितना बना दिया गया है ना कि भाई एक मतलब काफ़ी वॉइस नोट ऐसे ऐसे मेरे पास रिसीव हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो है कोई 20-25 डाकू आए थे और वो लेकर चले गए सब कुछ, और एक तो भाई बंदा मुझे बोल रहा है कि मतलब वो चल रहा है फेसबुक पे कि अगवा कर लिया और 50,00,000 रुपये तावान मांग लिया, तो ये सब फेक चल रहा है। और जो और भी जो न्यूज़ चल रही है कि भाई वो कि कुछ लोग शहीद भी हो गए हैं मंडी के रास्ते में, तो उनकी भी क्लैरिफिकेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि भाई वो जो सीन है वो सीन कुछ अलग है। उसका सीन ये है कि एक जो पहले जो हमारे भाई एक शहीद हुए हैं, हुए है कोई जी 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 बिल्कुल बिल्कुल एक हुए हैं, लेकिन वो म्यांमार से अपने ऑफिस जा रहे थे। अच्छा मंडी नहीं आ रहे थे, मंडी का तो ताल्लुक ही नहीं है यार, सुबह 8:15 आप खुद बताओ लैपटॉप लेके और ऑफिस बैग लेके बंदा मंडी थोड़ी आएगा, ये अल्लाह रहम करे बस। तो कहानी यही है, वो माशाल्लाह से मतलब अपने ऑफिस जा रहे थे और उनसे मोबाइल मांगे तो उन्होंने मोबाइल दिए, लेकिन उन्होंने लैपटॉप देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई लैपटॉप में मेरे ऑफिस के काम है, लेकिन बस आप लोगों को पता है जो जुल्म करने आता है फिर जुल्म करके चले आता है, रहम फरमाए यार। तो उन्होंने जबकि लैपटॉप का मना करा क्योंकि ऑफिस के काम थे, तो फिर उनको शहीद कर दिया गया। तो ये कहानी है, लेकिन लोग जो है इसको लिंक कर रहे हैं मंडी से, उसका मंडी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही सही, चले बहुत शुक्रिया सरोज भाई, भैया अपडेट थी आज की सिक्योरिटी और बकरों की। तो बकरे बेहाल हैं यार, बकरे बेहाल हैं, मजाक सेट किया, बेहाल हुए हैं। ये देखो भाई कैसे पड़े हुए हैं सबके सब भाई, और धूप इतनी है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए भाई, आसानी करे उनके मामला में भी, और रेट भी खैर ऐसे मांग रहे हैं, आप क्या ही बोलें। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, अल्लाह हाफिज़।